हेलो दोस्तों नमस्कार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कैनन एरर कोड ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री के बारे में ओके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और इसके क्या क्या रीज़न होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे गाइस ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री में हम देखते हैं कि जो मशीन का हीटर यूनिट होता है उसका जो तापमान है वो मेन थर्मिस्टर के हिसाब से बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहता है बट एग्जैक्टली exactly, जो हीटर यूनिट का टेम्परेचर रहता है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ऊपर जा चुका रहता है तो ये मशीन में E003 का कोड शो करते हैं अर्थात इसका जो मेन थर्मिस्टर हो वो टाइम टू टाइम सेंस नहीं कर पाता और जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी बहुत धीरे इंक्रीज हो जाए और अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में ये E003 का कोड आता है तो इसका मुख्य रीज़न ये रहता है कि इसका जो मेन थर्मिस्टर है उसका प्रॉब्लम रहता है तो उसे चेक कर लीजिए या उसे रिप्लेस कर दीजिए तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा और इसी के साथ साथ जो बड़ी मशीनें हैं उनका सटर थर्मिस्टर का भी प्रॉब्लम होता है तो भी एरर कोड आता है अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है थर्मिस्टर चेंज करने के बाद तो इसका थर्मल स्विच चेंज कर दीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर उससे नहीं होता है तो इसका कुछ मशीनों का जो डायरेक्ट पावर सप्लाई से जुड़ा होता है हीटर यूनिट उनका पावर सप्लाई चेंज कर दीजिए सॉल्व हो जाएगा और लैम्प वाली मशीनों में इसमें एस एस आर जो पी सी रहता है उसका भी फॉल्ट होता है उसके कारण भी ये कोड आता है और अगर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद नहीं होता तो इसका डीसी बोर्ड चेक करके देख लीजिए अगर उससे भी नहीं होता है, तो इसका हीटर यूनिट चेंज कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ओके गाइज़ अगर हम मशीन वाइज बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन ऑन मशीन की अगर इस मशीन में ई आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो हीटर यूनिट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में ही स्थाई हो गया है अर्थात इसका जो मेन थर्मिस्टर टी एच वन है वो क्या कर रहा है कि वो हीटर का जो टेम्परेचर है वो सौ डिग्री सेल्सियस या उससे कम का तापमान सेंस कर रहा है तो इस कंडीशन में इसका थर्मिस्टर चेंज कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है नहीं तो इसका जो डीसी बोर्ड है उसे आप चेक कर लीजिए या रिप्लेस कर दीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मोस्टली कभी भी किसी भी एयर कोड में सबसे पहले उसका वायरिंग चेक कर लेने का अगर कोई भी कोड आ रहा है तो उसका वायरिंग चेक कर लेने का हो सकता है कभी कभी गलती से हम वायरिंग लगाना भूल जाते हैं इसके बाद रेयर केस में आईपी बोर्ड का भी ईश्यू इसमें आता है ओके और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मोस्टली अगर ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री आ रहा है तो इसका हीटर जो लैम्प रहता है वो भी बबलिंग हो जाता है मतलब ऐसे फूक जाता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में तो इसका जो हीटर लैम्प है वो भी आप चेंज कर देंगे तो ये कोड चला जाएगा इसी के साथ साथ जो इसका रिले रहता है रिले फॉल्ट से भी ये एरर कोड आता है ओके okay गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे कैन ऑन आई आर बाईस सौ तैंतीस सौ और इसे अट्ठाईस सौ भी कहते हैं इस मशीन में अगर ई जीरो जीरो थ्री का एरर कोड आ रहा है तो इसमें मतलब होता है कि जो इसका मेन थर्मिस्टर टी एच वन है ये जो इसका हीटर का टेम्परेचर होता है वो वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस से कम सेंस कर रहा है ठीक है और ये इशू तब दिखाता है जब आप कॉपी स्टार्ट करना शुरू करोग जैसे आप कॉपी मारना शुरू करोगे इन मशीनों में तो ये प्रोसीज़र शुरू करेगा उसके बाद तुरंत ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री कोड दे देगा ओके तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए इसका थर्मिस्टर चेंज करके देख लेना चाहिए अगर उससे नहीं हुआ तो इसका जो आ, फिक्सिंग यूनिट का आ, हीटर लैम्प होता है उसे भी चेंज करने से प्रॉब्लम चला जाता है साथ ही में इसका जो थर्मल स्विच होता है उसके भी फॉल्ट से ये एरर कोड आता है और मेन ड्राइव जो मेन पावर सप्लाई होता है उससे भी ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री कोड आता है पावर सप्लाई से अगर बात करें तो ई ज़ीरो 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 टू ज़ीरो ज़ीरो थ्री ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो पावर सप्लाई चेंज करके देख लीजिए और साथ ही अगर जा इसके बाद ही क्लियर ना हो तो इसका डीसी बोर्ड आप चेंज कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ओके okay गाइज अगर हम लोग थ्री ज़ीरो थ्री ज़ीरो थ्री टू टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू जीरो वन एट इस सीरीज़ की मशीनें जैसे टू जीरो वन सिक्स है इन सब अलाइनिंग पट्टी जिसमें लगा रहता है इन सब मशीनों में अगर ये एरर कोड देखे तो ये थर्मिस्टर फॉल्ट के कारण ही आता है एज अ सेम इसमें भी अगर जो हीटर यूनिट है वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर पर स्थाई हो जाता है तो इसमें ये एरर कोड आता है और ये एरर कोड तब आएगा जब आपको अभी कॉपी मारने के लिए स्टार्ट करोगे मशीन को दैट्स मीन जैसे ही आप कॉपी के लिए स्टार्ट बटन दबाओगे उसके टिल सेकेंड में ये एरर कोड आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा ओके okay? तो इसमें क्या करने का सबसे पहले तो इसका जो थर्मिस्टर है उसे चेंज करके देख लेने का अगर उससे नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए इसका जो अलाइनमेंट पट्टी है उसे चेंज कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर नहीं होता तो इसका वायरिंग भी आप चेक कर लीजिए हो सकता है गलती से कभी वायरिंग ना लगे रहने के कारण भी ये इशू आता है और इसमें भी पावर सप्लाई के कारण भी ये एरर कोड आता है अगर इन सब को चेक करने के बाद नहीं हो तो इसका जो हीटर असेंबली है उसे चेंज कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ओके okay गाइस अब बात करेंगे आई आर फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड मशीन के में अगर इन मशीनों में ये एरर कोड ई जीरो जीरो थ्री शो हो रहा है तो इनमें क्या होता है कि जो मेन थर्मिस्टर टी एच वन होता है वो पुअर कॉन्टेक्ट मतलब ठीक से न लगे रहने के कारण या वायरिंग के शॉर्ट हो जाने के कारण आता है बट इसमें भी मेन रीज़न यही रहता है कि ये आ, मशीन का जो आ, हीटर यूनिट का टेम्परेचर है सेवेंटी डिग्री सेल्सियस से लेस सेंस करता रहता है बट जो हीटर यूनिट का टेम्परेचर है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो इसमें ये कोड आने लगता है कि इसमें आई आर फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है थर्मिस्टर थर्मिस्टर क्लियर है तो उसके बाद आपको थर्मल स्विच जो इसका थर्मल स्विच होता है उसे चेक करना है कि वो प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं सही है कि नहीं अगर वो सही है तो उसके बाद आप हीटर यूनिट का जो वायरिंग पूरा है जहाँ से पावर मिलता है उसे चेक कर लीजिए वहाँ कोई फॉल्ट तो नहीं वायर कटा उटा होने के कारण अगर ये भी ठीक है तो उसके बाद आप क्या कीजिए एसी ड्राइवर पीसीबी चेक कीजिए एसी ड्राइवर पीसीबी रिप्लेस करके देख लीजिए इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर उससे भी नहीं सॉल्व होता है तो इसके डी बोर्ड को चेंज कर दीजिए अगर डी दी बोर्ड चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा तो मेन इसका पावर सप्लाई चेंज करके देख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर नहीं होता तो डायरेक्टली आप हीटर असेंबली दूसरा डाल दीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ओके गाइस तो फाइव जीरो सेवन फाइव की बात करें इसी के साथ साथ फाइव ज़ीरो सिक्स फाइव फाइव जीरो डबल फाइव ये सारी मशीनें सेम हैं तो इसमें अगर ई जीरो ज़ीरो थ्री का एरर कोड आता है तो सेम एज़ इट इज़ सिक्स थाउजेंड कि इसका जो मेन uh, थर्मिस्टर है वो मशीन uh, के हीटर यूनिट का जो टेम्परेचर है वो सेवेंटी डिग्री सेल्सियस से लेस सेंस कर रहा है बट हीटर यूनिट का टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ये एरर कोड ई ज़ीरो ज़ीरो थ्री आता है ओके okay? तो इसके लिए क्या करें सबसे पहले तो इसका मेन थर्मिस्टर चेंज कर दीजिए मेन थर्मिस्टर चेंज कर देंगे तो अगर इससे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जा रहा है तो ओके अगर नहीं होता तो क्या कीजिए इसका जो सटर थर्मिस्टर है मतलब पूरा सेट जो थर्मिस्टर का पूरा सेट चेंज कर दीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर उससे नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली इसका जो डीसी बोर्ड है उसे चेंज कर दीजिए अगर उससे भी नहीं जाता है तो इसका हीटर पावर सप्लाई रेयर केस में भर है बहुत ज़्यादा रेयर केस में इसका हीटर पावर सप्लाई चेंज कर देंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उससे भी नहीं होता तो डायरेक्टली इसका हीटर यूनिट चेंज करके आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो गाइज अभी अब हम एडवांस मशीनों में बात करेंगे इसमें अगर ये एरर कोड ई जीरो ज़ीरो थ्री आ रहा है तो जो मेन थर्मिस्टर होता है वो सत्तर डिग्री सेल्सियस से कम तापमान सेंस करता है पर इसका जो तापमान हीटर यूनिट का एग्जैक्टली टेम्परेचर जो रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका रहता है ऐसे कंडीशन में कोड ई जीरो ज़ीरो थ्री आता है और इसका मेन रीज़न है कि इसका मेन थर्मिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है या डिसकनेक्टेड हो सकता है तो पहले तो इसका कनेक्शन चेक कर लीजिए उसके बाद हीटर असेंबली के सारे कनेक्शन चेक कर लीजिए अगर वो सब सही है तो डायरेक्टली इसका मेन थर्मिस्टर चेंज कर दीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है नहीं तो इसमें इसका पावर सप्लाई का भी रीज़न रहता है तो अगर थर्मिस्टर चेंज करने के बाद नहीं हो रहा है तो इसका पावर सप्लाई चेक कर ले रिप्लेस करके देख ले और इसका मेन ड्राइवर पीसीबी का भी रीज़न रहता है जिसके कारण इसमें ई जीरो ज़ीरो थ्री आता है और डी बोर्ड के फॉल्ट से भी ये कोड आता है और इसमें रिले जो लगा रहता है उसके कारण भी एरर कोड आता है अगर सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी नहीं होता तो आप एक काम कीजिए डायरेक्ट इसके यूनिट को चेंज करके आप देखिए ओके okay? तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग और गाइस बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ तो आप उनसे प्रॉपरली उनको सीखें मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा यार मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ओके okay? Goodbye. Take care.